हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए बॉक्स लेकर आया हूं जो एनएक्सी डिजिटल का दोस्तों है। इसका मॉडल नंबर CS2000OM। दोस्तों ये बहुत ही पुराना बॉक्स है, बहुत ही कम आया था हमारे कंपनी में। तो इसमें अभी दोस्तों वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अभी चालू होगा बट ये देखिए ऐसे ब्लैंक रह जा रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स को ओपन करें। देखिए ऐसे ब्लैंक ही रहेगा, तो हम पहले बॉक्स को ओपन करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही कम बॉक्स है, हम अभी ये बहुत कम आया था, HD का बॉक्स है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे, जो इसका वोल्टेज है वो चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पहले हमारा यहाँ पे जो है 5 वोल्ट चेक करेंगे। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे चलता है दोस्तों, तो ये 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे क्लियर है। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए एक IC लगाया गया और यहाँ पे, तो ये हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 1.4 आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लियर है। उसके बाद से जो हमारा यहाँ पे 3.3 के लिए, ये देखिए 3.3 भी क्लियर है, और ये जो हमारा है दोस्तों जो 1.1 के लिए रहेगा, ये देखिए 1.1, ये भी हमारा क्लियर है। दोस्तों जो हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली वो है वीडियो का प्रॉब्लम। तो वीडियो के लिए हम यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा IC है, ये देखिए एक IC हमारा लगाया गया, वीडियो IC है, और उसके बगल में देखिए एक छोटा सा रजिस्टर लगाया गया है, देखिए जो 75K का है। तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक वीडियो आ रहा है, और देखिए इस पर हमारा वीडियो नहीं आ रहा दोस्तों, ये देखिए छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा प्रॉब्लम होगा ये हो सकता हो, ये हमारा रजिस्टर हो। तो हम क्या करेंगे, पहले ये रजिस्टर को हटा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने रजिस्टर को हटा दिया, और सेम ऐसे ही हम एक दूसरा रजिस्टर लेंगे 75K के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए ये जो हमारा रजिस्टर है, हमने एक रजिस्टर निकाला है एक बॉक्स से, वो हम चेक करेंगे पहले। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे 75K का एक रजिस्टर लगाया है, और यहाँ पे रजिस्टर क्लियर हो गया। ये देखिए जो हमने यहाँ पे 75K का रजिस्टर लगाया था, ये क्लियर हो गया। और दोस्तों हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको वॉश करेंगे। क्या रहता है कभी कभी इसमें प्रॉब्लम CPU से आता है, ये CPU SMD है, CPU है। हमने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है, ये देखिए थोड़ा गर्म है, तो अभी हम पहले केबल का वायर लगा लेंगे। और अभी हम चेक करेंगे इसको कि अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है या अभी चालू हो गया। तो इसको भी देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये चालू हो गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे ये वोल्टेज देखिए हमारा बढ़ गया दोस्तों, और ये देखिए हमारा क्लियर आ गया।
करने खड़े होने की। देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉक्स चालू हो गया और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।